हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहे। तो फ्रेंड्स, अब सुबह का तो सारा काम हो चुका है, तो फ्री बैठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो चिप्स बनाते हैं थोड़ी सी खाने लायक दोपहरी में। तो मैं बनाऊंगी आलू की चिप्स। जो मैंने लिए हैं ये आलू, ये चार आलू ले लिए हैं मैंने बड़े बड़े साइज में। तो चलिए ये बनाते हैं। और ये ऐसी चिप्स हैं, आप जैसे अभी बनाओगे तो अभी खा भी लोगे। ये जो आलू की चिप्स मैं बनाऊंगी वो है 5 मिनट में तैयार होने वाली, मतलब इंस्टेंट चिप्स बोल सकते हैं। उन्हें सुखाने का कोई झंझट नहीं है, तो आज मैं वो बनाऊंगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी ये चिप्स वाली रेसिपी शेयर करती हूँ, तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने ये जो आलू लिए हैं ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और इनको मैं छील लेती हूँ। तो ये मैंने आलूओं को छील लिया अच्छे से, सारे छिलके उतार लिए इसके। अब इनको हम इससे घिसेंगे आलू की चिप्स। तो ये जो होता है घिसने वाला, इसमें दो तरह का होता है। एक तो ये डिजाइन वाला होता है, इससे भी बना सकते हैं, और एक ये इधर सिंपल वाला होता है, इससे भी बना सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, डिजाइन वाला बनाना है ये सिंपल वाला। तो अब इनको हम चिप्स को काट लेते हैं इससे। ये मैंने आलू को आप देख सकते हैं पतले पतले से स्लाइस कर लिए इसके चिप्स जैसे। तो अब बनाएंगे इन्हें। तो मैंने पानी बॉईल करने रख दिया है, तो इन्हें डालते हैं पानी में। तो ये मैंने पानी को बॉईल करने रख दिया था, तो आप देख सकते हैं पानी एकदम बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये आलू की जो चिप्स काटी थी हमने, ये तो सिर्फ इन्हें 2 मिनट के लिए इस पानी में डालेंगे। 2 मिनट से बिल्कुल भी ज़्यादा इनको नहीं पकाना। तो हम इसमें डाल देते हैं आलू की ये सारी चिप्स। तो मैंने ये गरम पानी करने रख दिया था, इसमें मैंने ये डाल दी है चिप्स। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे बाहर। ये मैंने अब रख दिए हैं पंखे की हवा में सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, जो इनका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। और आप चाहे तो जो आपके पास कोई सूती कपड़ा है तो उसे ऐसे करके से ऊपर से तोड़ सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इनका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। फिर अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल हो चुका है गर्म, हमने ऑयल गर्म करने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम ये जो चिप्स हैं हमारे पास, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं तेल में।
तो ये बनके हो गई हैं रेडी। आप देख सकते हैं इनकी आवाज कितनी करारी हो गई है। ये तो ये बिल्कुल लेज चिप्स आती है जो बच्चे दुकानों से लाते हैं, बिल्कुल वैसी है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं घर में। इन्हें सुखाने का कोई झंझट नहीं है कि धूप में डालो फिर सुखा के फिर जब जाके फ्राई करके खाओ, ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे हल्के से नमक और मिर्च। इनको इस तरह से हिला देंगे जो मिक्स हो जाए सब में। तो ये हो चुकी है रेडी। तो चलिए खाते हैं इन्हें। अब हम खा रहे हैं चिप्स। दोपहर में हम तीनों बैठे हैं, आशी, समीर और मैं। सानू अभी सोया हुआ है तो सानू के लिए हमने रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स चिप्स हो चुकी हैं खत्म, हमने सारी फिनिश कर दी चिप्स खा के। और अब हो चुकी है दोपहर ही, तो अब हम करेंगे आराम। तो मैं करती हूँ ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।